साधना सरगम का एक वालीम आया सी तलाश वालीम, उहदे च मेरी गज़ल सी जो तलब किया वो मिला नहीं, मेरे लब पे फिर भी गिला नहीं। जुबैर शाह साहब के नाल उन्होंने एक गाया सी। फिर दलेर मेहंदी साहब ने मेरा पंजाबी गाना एक गाया कि नच लै नी नच लै नी नच लै छणका के पजेबा नच लै। और एक गाना हूँ एक आर्टिस्ट सिंगर है उन्हें लिया, वो मावा मान जन्नत दा लोको मावा जी छां कोई ना, मावा बाज तियां दी दरवेशा दुनिया ते थां कोई ना। जे तुहानू साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है ते साडा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि साडियां आने वालियां नवीयां वीडियो तुहानू बर वक्त मिलदियां रहन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABHG TV। नाज़रीन हमेशा की तरह एक नवी वीडियो ना फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। जकमल साहब की बरसी है और साडे नाल मौजूद ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्मी शायर कबाल दरवेश साहब। कबाल दरवेश साहब ने पाकिस्तान ना के बल्कि जिहड़ा साडा मसाया मुल्क है भारत, उत्थे भी बहुत सारे सिंगर ने दलेर बहंदी तो लैके तो सरगम साधना तक जिहड़ा उन्होंने मतलब सब ने इन्हां दा कलाम गाया और पाकिस्तान भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारिया फिल्मों वास्ते इन्होंने लिखे आ। तो गल करने कबाल दरवेश साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। की हाल ने कबाल साहब? ठीक हो जी? बड़े करम ने अल्लाह तबारक तआला दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहला तो एक जुमला मैं तुहाडे कोलों अकमल साहब के हवाले नाल ते फिर उस तो बाद असी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले नाल भी गल करांगे। अकमल साहब दे जी हर हवाले नाल, अकमल साहब 1967 इस दुनिया तो रुखसत होए ने लेकिन वो अज भी लोगों के दिलों च ने साबित हो रहा है। और अमजद परवेज साहब और उन्होंने बाकी जो दोस्त ने इत्थे जिहड़ा कट करते हैं दुआ खैर करते हैं उन्होंने वास्ते मफरत की दुआ करते हैं, ये बहुत वड्डी गल है। ये उन्होंने कोई अच्छाई है जी, उन्होंने अच्छाई वो वजह ये लोग अज इत जे जमा होंगे तो अज भी इतने जमा होंगे ने सिर्फ दुआ करते हैं और चले जाते हैं घर, कोई किसी बुलाते नहीं है, खुद लोग आते हैं। मैं अपनी मिसाल देंगा कि मैं मेरे को एक पहले भी किसी ने पूछा सी तो मैं क्या जी ये मेला इस तरह का कि इतों जाते अगले मेले का इंतजार करीद कि फिर जावे फिर उन्होंने दुआ करा। दूसरी गल है कि एडा खूबसूरत इंडस्ट्री के एक्टर कोई नहीं अज तक आया, जिन्हें भी आए ने बस वो लगा जी हीरो ने। एक्ट करना हर बंदे दे वस दी गल नहीं है, अपने आप नूं एक्टर ते कला लैंदे ने, टैंपो तक चेंज नहीं आती। अकमल साहब दे विच हर क्वालिटी सी, उहदी उर्दू पिक्चर देखो मैं बगावत देखी सी उहदे च विलन सानू, ओ मैं मुआजना नहीं करांगा प्राण नाल, मैं क्यों मुआजना करा, मेरा अपना एक्टर इस तों वड्डा है। वाह 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 क्या बात क्या बात। अगर उन्हां नूं कहा गया पाकिस्तानी दलीप कुमार तो वो इस वास्ते कहा कि उत्थे एक दलीप कुमार बहुत वड्डा एक्टर है, असी जानते तुसी भी जानते हैं तो साडा भी एडा ही एक्टर है। कमाल तो यह वे ना कि अल्लाह ताली अपनी जात ने उन्होंने इन्नी इज्जत बख्शी, इन्नी शोहरत 1956-56 आए ने पहली फिल्म जबरू दे विच और उस तो बाद तक जिन्नियां भी उन्होंने फिल्मा ने मेरा ख्याल है कि हिट ही गई ने। और मैं एक दफ़ा एक डायरेक्टर सन फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने को पूछा जी ये जड़े सन अकमल खान साहब इन्हों के बारे कुछ दसो, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गल की कि जी हर एक्टर का एक क्लोजअप लिया जाता है या वो कुछ टर्न एक मूव होंगी है उतों पता लगता यार इस इनू इतों असी एक्सपोज करना। अकमल साहब एक ऐसे एक्टर सन जितों फ्रेम खोलिया वो हीरो ही नज़र आए हैं। फिर उन्होंने डायलॉग डिलीवरी वो जे गल करनी कि जी वो पंजाब का एक्टर सी, वो पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का एक्टर सी, हर जुबान का एक्टर सी। अगर उस तो बाद कोई एक्टर आए ने तो उन्होंने अकमल बनने की कोशिश की है तो यह मतलब है कोशिश किसी अच्छे वास्ते की अच्छे जाते मतलब कि बहुत अच्छे एक्टर आर्टिस्ट सन उन्होंने हर फिल्म हाथ जुड़ी देखो कितनी खूबसूरत है, मलंगी देखो कितनी खूबसूरत फिल्म है, चूड़ियां देखो एक ज़दे ज़बान सुने हैं जी जी और ठहर जा तो एडा कमल कमाल होगी बहुत खूब बाबर साहब बहुत खूबसूरत गल है। और बाकी रहेगी गल कि उन्होंने तो बाद फिर शोर शराबा रहा है फिल्म का, कोई भी फिल्म आई है रौला रप्पा ही सी, फिल्म वेखन गए जे अगर उत्थों कुछ हासिल नहीं किया तो सिर दर्द जरूर लैके निकले जे तुसी। अच्छा जी असी कबाल साहब ये चाहवांगे कि साडे नाज़रीन नूं ये दसो कि इंडिया च और पाकिस्तान च किहड़े किहड़े सिंगर ने तुहानूं गाया ते दो चार जिहड़े अपने गीत ने वह भी साडे नाज़रीन नूं दसो ताकि वह जिस टाइम उन्होंने टाइम मिले तो वह भी सर्च करके तुहाडे गीत भी देख सकन। 1996 साधना सरगम का एक वालीम आया सी तलाश वालीम, उहदे च मेरी गज़ल सी जो तलब किया वो मिला नहीं, मेरे लब पे फिर भी गिला नहीं। जुबैर शाह साहब के नाल उन्होंने गाया सी। फिर दलेर मेहंदी साहब ने मेरा
पंजाबी गाना ही गाया कि नच लै नी नच लै नी नच लै छणका के पजेबा नच लै। और एक गाना हूँ एक आर्टिस्ट सिंगर उन्हें लिया वो मामा मान जन्नत दा लोको मामा जी छां कोई ना मामा बाज तियां दी दरवेशा दुनिया ते थां कोई ना। बच के रहना दे सारे गाने मैं लिखे ने भाई भट भाई साहब वे वसीम भट साहब वो डायरेक्टर ने जान ले लेगी जालम ये तेरी दा बहुत सारे ने ते बस सिलसिला चल रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले ना तुसी की कहोगे कितने देख रहे हो? हाँ बहुत अच्छी गल तुसी की थी है। मेरी नज़र तो यह ना कि मैंने ये सैनिक चो भी नज़र नहीं आती भी इंडस्ट्री नज़र ही नहीं आ रही। बारिश स्टूडियो अंदर 10 फ्लोर सन उत्थे मैनू याद है कि बाहर दरवाजे के खान साहब जड़े सन या कोई भी आदमी उन्होंने खड़ा नहीं सन आते दे। वो लोग एक्टर देखने की तगोदोरी उत्थे खड़ोते हैं कि असं अज इतों हबीब साहब जा रहे हैं इजाज़ साहब जा रहे हैं फरदोस बेगम जा रही है। हूँ तो कोई भी एक्टर कोलों जा रहा तो उन्होंने वेख के कहें यार बेचारा वेला ही है काम ही कौन है ये कोई वास्ते दुआ ही करते हैं वेखना दूर की गल है। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर वजूहत है कि जिन्होंने कुछ नहीं सियादा वो उत्थे प्रधान बन के बैठ गए। एको ही मौसीकार तुहानू लब्भा है एको ही तुहानू शायर लब्भा है एको ही तुहानू फिल्म का राइटर लब्भा है वो कुछ भी नहीं उन्होंने पता जिहड़ा नवा आया है बंदा वो वास्ते वो ही गाना नुआ धुआ के पुठा सीधा करके आला फट बई ए कर ला वो ही म्यूजिक है एक इंटर एक एक इंटरवल पीस बजाते हैं उत्ते भी अंतरे करवा लेंगे ने। जबकि जदों कुछ भी नहीं सी जदों पाकिस्तान बनया सड़े स्टूडियो मिले कैमरे पुराने मिले सुपरहिट फिल्मों ने साड़ियाँ म्यूजिक देखो तुसी एक गाना सुन के फिर सुनो कुछ ऐसे गाने सन कि रात वक्त तुसी कोई मैं नहीं समझता कि पूरा गाना सुन सकता इंज लाया तो नींद आ गई है इंज लाया तुसी नींद आ गई है। अच्छे अच्छे मौसीकार सन अच्छे एक्टर सन हुण अकमल साहब की की तालीम सी किहड़ी अकैडमी तो सीख के आए सन एडा वड्डा एक्टर ही कोई नहीं अज भी कोई एक्टर नहीं हैगा जिस तरह नूर जान बेगम दूसरी नहीं है जिस तरह रफ़ी साहब आज तक एक अरब और कोई 35 करोड़ या 30 करोड़ की आवामी दूसरा रफ़ी नहीं पैदा कर सके उदे वर्गा कोई आया ही नहीं इस तरह अकमल वर्गा कोई आएगा ही नहीं क्योंकि उदे वर्गा काम कोई कर कोई वह जी स्टोरियाँ नहीं मिलती पी अगे गल पे करते सन अजीत कर साहब की बेटी के नाल तुहाडी गल हो रही थी तो एडा अच्छा लिखने वाले एडे अच्छे गाने हूँ तुम मैं दसो कि गाने आ रहे हैं किसी को कोई पता नहीं और एडे गाने बुरे होंगे ने कि बाप बेटा बह के नहीं सुन सकते बाप बेटी तो बड़ी दूर की गल है बाप बेटा बह के नहीं सुन सकते। हाँ जी बिल्कुल और हूँ जी कराची फिल्मा बन दी पी 3-4 साल तो मैं किसी एक फिल्म का तुम रिलेटड जिस इस शोबे मैं दस दौ कोई एक गाना गाने ही कोई नहीं है शायरी कोई नहीं है ये जब हिट होगी इस पंजाब तो ही फिल्म बनेगी तो हिट होगी इतों तो शायर म्यूजिक लेकिन है चेंज दियो बाकी रह गई गल के पाकिस्तान वे कुछ तवजो करन कोई वे इंडस्ट्री अगर वह 72 साल नहीं हुई तो अगों भी नहीं होनी ये तुसी आप ही करना है जो भी करना है। और ये जड़ी कड़ी है वो लस्सी नाल ही बनती है पानी ना बनाने की कोशिश ना करो मेहरबानी करो। वाह 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 बड़ी खूबसूरत गल की उन्होंने जी कड़ी जी लस्सी नाल ही बननी है पानी ना बनाने की जी कोशिश है वो बिल्कुल सानू नहीं करनी चाहिए और हकीकत ही है वे कि वो बिना दुधों नहीं पकती खीर भी आ तो खीर वास्ते दुध जोड़ा बहुत जरूरी है तो की समझते हो कबाल साहब असी शार्टकट जो थोड़ा पूछना चाहवागे कि सानू इंडस्ट्री के सर्वाइवल वास्ते की करना चाहिए तुहाडी कोई टिप। देखो जी जिहड़े लोग इस फिल्म नू समझते हैं वो ही आन उन्हां दी बैग ते सरमायाकार बैठ जाए ना कि सरमायाकार अगर राजे नू आंदा ही कुछ नहीं। मैं एक गड्डी अज खरीद लैना बहुत महंगी वाली अगर मैंने चलानी नहीं आती तो मैं जरूर किसी ना किसी कंध च मारनी। इस वास्ते जिहड़े काम करते ने मुतलका रीजनेबल आदमी ना कि गुंडागर्दी दे विच रीजनेबल वो बह के काम करवाण वो फिल्म बनवाण जबकि डायरैक्टर का काम है। और मैं ऐसी ऐसी फिल्मों की शूटिंग देखी है कि डायरैक्टर उत्थे नहीं गा जो राइटर वो बह के शॉर्ट फिल्म सीन करवा रहा है और जो डायरैक्टर साहब बाहर वो फिल्म किस तरह चलेगी डायरैक्टर नूं पता है मैं ये सीन किंज करवाना है। इस वास्ते जिहड़ा भी बंदा आ रहा है वो ईमानदारी दे नाल वो काम करे। और सब तो वड्डी गल है जिहड़े एक्टर नूं तुसीं डिसाइड करदे जे साडी फिल्म च फलां एक्टर होणगे उहदे च मैं हमेशा कहिंदा हुंदा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो जिहड़ा मुतलका एक्टर है उहनूं ही उहदे वास्ते लवो कि यह बंदे कोलों यह करैक्टर अच्छा होवेगा क्योंकि एडा तो नहीं है कि अकमल साहब आकरां या दलीप आकरां कि बंदे नूं जिहड़ा भी तुसीं करैक्टर दित्ता है उहदी टैंपो भी उही हो जाए। मैं तो ऐसे ऐसे एक्टर पाकिस्तान के वेखे ने
कि उन्होंने जज बनाता तो लगता पाया कि माझा बैठा है, लगता पे इस वास्ते नहीं, इंसाफ नहीं है। इंसाफ करो, हर हर उहदे विच जिहड़ा 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 शोभा हैगा, हर शोभे हत्ता के कैमरेमैन तक भी, हत्ता के डांसर तक भी, तुसीं अपनी फिल्मां दे डांस देख लो ना, तुसीं की एक्सरसाइज ज़्यादा होंदी है, डांस घट होंदा। साडियां फिल्मां ने तुहाडियां नहीं हैगियां। बहुत अच्छी गल है, साडियां भी आणगियां इंशाल्लाह, अच्छियां फिल्मां आउणगियां, तुसीं फिक्र ना करो। कुबाल कुबाल दरवेश साहब के असी बड़े मशहूर तो ममनून हाँ जी, उन्होंने अपने कीमती टाइम चो साडे चैनल नूं टाइम दिता और बहुत ही मज़ेदार आदमी है ने, तो अल्लाह ताला इन्हां नूं जनाब शायरी की जी होर उसत है जनाब वो उता करे और ज़्यादा आमद होवे और अच्छे अच्छे गीत जड़े ने लिखते रहन। खास तौर पर इन्होंने अजकल जरा माँ ला गीत लिखे आ बहुत ही प्यारा है और अल्लाह ताला इन्हां नूं कामयाबी और कामरानियां अता करे। ये होस्ट बाबर भी तुहाडे कोल इजाजत चाहेगा, फिर इंशाल्लाह हाज़र होवांगा किसी नवें वीडियो नाल। पाकिस्तान जिंदाबाद।